नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बिताल्लुक में। मैं रवि तिवारी। सामान्य हिंदी की एक अपनी ही भूमिका है सुपरटेट के एग्जाम में, भाषा का हिस्सा है और 40 अंकों को कवर करता है। आप इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। अब 40 अंकों की जिम्मेदारी भी एक महत्वपूर्ण और गुणी अध्यापक को ही सौंपी जानी चाहिए। सत्य प्रकाश जोशीला सर ऐसे ही प्रयागराज के एक अध्यापक है, आपने पिछले समय भी उनको संस्थान में पढ़ाते हुए देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सत्य प्रकाश जोशीला सर सुपर टेट में आपको हिंदी की कक्षाएं लेंगे। सत्य प्रकाश जोशीला सर बहुत अच्छे अध्यापक है, कुशल अध्यापक है और बहुत अच्छे से वो संप्रेषित करते हैं हिंदी से संबंधित चीजों का। टिर्की माध्यम से हिंदी पढ़ाते हैं, जो आपकी प्रमुख आवश्यकता होती है कि आप कम समय में चीजों को समझते हुए अच्छा कर सके। एक परिचर्चा वो आज आपके साथ करेंगे कि किस माध्यम से आपको हिंदी पढ़नी है। जब आप उनके साथ होंगे तो आप हिंदी के को महसूस करेंगे कि हम बिल्कुल नए तरीके से हिंदी को पढ़ रहे हैं, है ना। तो सुपरटेट से संबंधित जो बैच है उसमें सत्य प्रकाश सर आपको हिंदी की कक्षाएं लेंगे। थोड़ी देर बाद सत्य प्रकाश सर की आवाज होगी और वो आपकी हिंदी की कक्षाएं शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि संस्थान में लगातार जो है सुपरटेट से संबंधित बैच संचालित हो रहे हैं। इसी क्रम में नीचे जो स्क्रॉलिंग पट्टी चल रही है, इन निर्देशों का पालन करते हुए आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और भी एक प्रक्रिया है, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे आप इस पर एंट्री सुपरटेट लिखकर भेजते हैं, हमारी टीम तुरंत ही आपसे संपर्क करेगी, है ना। फरवरी के पहले सप्ताह से हम लोग धुआंधार कक्षाएं प्रारंभ करेंगे और जो नवीन इतिहास लिखने इस बार हम लोग सुपरटेट में चल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल देर ना करते हुए उस चीज से क्या करें, जुड़ जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूरी आशा करता हूं कि सत्य प्रकाश सर के साथ आप हिंदी में 100% अंक अर्जित करेंगे और एक भी प्रश्न सत्य प्रकाश सर के नोट लाइव क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगली आवाज सर की होगी और सर हिंदी को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रवि सर आपका। टारगेट विथ आलोक में मैं सत्य प्रकाश जोशीला आप लोगों को हिंदी से रूबरू कराऊंगा सुपर टेट में। अभी टेट में थे, टेट के बाद सुपर टेट में सर थे, उसके बाद हम सुपर टेट में आप लोगों को हिंदी ट्रिकी जोशीला हिंदी पढ़ाएंगे। मित्र ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट अगर मैथ रीजनिंग में ट्रिक चल रहा है तो क्यों ना हिंदी में भी एक ट्रिकी पाली खेल लिया जाए, जिससे कि कुछ ऐसा हो, कुछ नई चीज आए जो आपको कम टाइम में अधिक लगाए, क्योंकि मित्र एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्र, एक चीज नोट कर लीजिएगा कि एम आपका एम को बड़ा महत्व रखता है। एम का मतलब होता है मित्र इंप्रेसिव अटेंड मोटिवेशन। अगर इसको हम यहां से कर देंगे तो ये हो जाएगा इंप्रेसिव। इसको आप ऐसे कर सकते हैं इंप्रेसिव अटेंड मोटिवेशन। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है मित्र, आप लोग टारगेट विथ आलोक में इंप्रेसिव अटेंड करिए मोटिवेशन, जोशीला मोटिवेशनल थाट के तहत कुछ ट्रिकी देखिए कि कुछ नए ढंग से, कुछ नए रूबरू में मैं आपको कुछ नए हिंदी ट्रिकी के माध्यम से पढ़ाऊंगा मित्र। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक चूंकि टेट में कुछ कंटेंट और कॉन्सेप्ट टूसू की कॉन्सेप्ट में और सुपर टेट के में बस थोड़े से फेर बदल हुए हैं मित्र। वो फेर बदल ये हुए हैं कि उसमें क्या है कि उसमें साहित्य का पार्ट थोड़ा सा कट गया है, बाकी टोटल समग्र व्याकरण जो है वो हमारा सुपर टेट में आया है। किसमें आया है? सुपर टेट में समग्र व्याकरण का कोर्स पार्ट इसमें ज्यादा इंक्लूड है, इफेक्टिव है इंक्लूड। साहित्य को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, कुछ रस छंद वहां के पार्ट में थे तो कुछ इधर इंक्लूड हुए हैं, लेकिन समग्र रूप से फिर भी मैं उसको एक समराइज कर दूंगा, क्योंकि पिछले सुपर टेट में एक दो रचना भी पूछ लिया गया था मित्र। तो लास्ट क्लास में हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपसे चर्चा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था मित्र कि ट्रिकी हिंदी, जरा गौर करिएगा कि ट्रिकी हिंदी या ट्रिकी हिंदी में क्या रहेगा मित्र। तो ट्रिकी हिंदी में आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं जैसे संधि। जनरली आप लोग संधि के बारे में बड़ा अच्छा रूबरू होंगे, तो देखिए आज जो आप लोग संधि के बारे में ध्यान रखें, जैसे संधि होता है तो ध्यान दीजिए संधि, इस पे जरा सा आपको रूबरू हम कराते हैं कि ट्रिकी संधि भी कैसी होगी।
आपको ट्रिकी संधि सिंपल में आपको अगर जैसे मैं कहता हूं शब्द देखते ही आप पकड़ लो, आपको न तोड़ना हो न जोड़ना हो, आपने शब्द देखा तुरंत बता देंगे कि कौन सी संधि होगी। प्रायः मित्र संधि में सामान्य हिंदी में स्वर संधि को ज्यादा टारगेट किया जाता है, व्यंजन और विसर्ग से बहुत रेयर है, चूंकि व्यंजन ज्यादा से ज्यादा पार्ट संस्कृत के होते हैं, विसर्ग भी आते हैं, लेकिन स्वर हमारा मेन टारगेट होता है। और स्वर संधि में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो लोग अयादि और यण को लेकर बड़ा इफेक्टिव होते हैं। तो मित्र अयादि यण दीर्घ गुण वृद्धि सबको आप एक बार में अगर देखेंगे तो सीधे देख के बता देंगे कि ये शब्द किस में जाएगा। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि संधि के प्रायः तीन प्रकार होते हैं, वो प्रकारों को देखते हुए ध्यान दीजिए। एक होता है मित्र स्वर संधि, एक स्वर संधि, और दूसरा होता है मित्र व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है मित्र विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग तीन संधियां पहले हमारे प्रकार है। तो हमारा जो टारगेट इफेक्टिव है मित्रों वो स्वर संधि को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि स्वर संधि के क्वेश्चन आपको ज्यादा इफेक्टिव करते हैं, स्वर संधि के क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सामान्य हिंदी में। तो आप स्वर संधि को टारगेट कैसे किस प्रकार कर पाएंगे उसी को हम कुछ ट्रिकी रूप में शब्द को देख के बता सकते हैं। आइए जरा देखा जाए कि स्वर संधि में क्या ट्रिकी आता है कुछ ऐसा। तो स्वर संधि में आप यहां पर देखेंगे स्वर संधि, देखिएगा बस सिंपल में आप शब्द देख के बता सकते हैं कि स्वर संधि में कौन किस में आएंगे। तो स्वर संधि को आप ऐसे समझ लीजिए, स्वर संधि, स्वर संधि इसके पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मित्र? फाइव प्रकार होते हैं स्वर संधि के, पांच प्रकार होते हैं हमारे स्वर संधि के, देखते जाइए। तीन चार पांच, पांच प्रकार इसके हो गए। नंबर एक पे जो आता है मित्र वो होता है दीर्घ संधि। आप इसको देखिए ऐसे, दीर्घ संधि। नंबर दो पर जो आता है मित्रों होता है गुण संधि। नंबर तीन पर जो आते हैं मित्रों होते हैं वृद्धि संधि। नंबर चार पे जो आते हैं मित्रों होते हैं यण संधि। और नंबर पांच पे जो आते हैं मित्रों वो होता है अयादि संधि। आप इनको शब्द के माध्यम से कैसे पकड़ेंगे इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे कि आप शब्दों के माध्यम से इनको कैसे रूबरू में पकड़ लेंगे कि ये यही संधि है। आपको हम इसी का ही ट्रिक बताएंगे कि इन पांचों को कैसे आप शब्दों के माध्यम से पकड़ते हैं। तो नंबर एक मित्र दीर्घ संधि का बेहतरीन ट्रिक सिंपल सा कि शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में सदैव दीर्घ मात्रा मिलेगी। आप दीर्घ संधि का एकदम सिंपल बेहतरीन ट्रिक आप ले लेंगे कि शब्दों के बीच में जहां संधि होगी, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में जहां पर संधि होगी, जहां पर संधि होगी, संधि होगी, आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। एक एक वन बाय वन आपको हम दिखाते हैं। यहां पे दीर्घ संधि देखिए, सॉरी, दीर्घ संधि इनका आप पहले ध्यान दीजिए। दीर्घ संधि में क्या होगा ट्रिक है, शब्दों के बीच में सदैव सदैव दीर्घ मात्रा होगा जहां पर संधि होगी, जहां पर संधि होगी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर संधि होगी वहां सदैव दीर्घ मात्रा होगा। आप कोई भी शब्द उठाकर देख लीजिए दीर्घ संधि में, एक सिंपल सा हम आपको दिखाते हैं, आप इसको जरा सा ऐसे ध्यान रखिएगा। दीर्घ संधि के शब्दों में जैसे कि मैं आपको अगर देखूंगा देवालय, ध्यान दीजिएगा देवालय,
तो आप इसको मित्र अगर तोड़ेंगे तो देखिए देव और धन आलय, आप सिंपल में इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर अ और इधर आ और दोनों मिलके क्या बनाते हैं आ, और इस स्वर को आप यहां पर देखेंगे जो बीच में लगा है कौन सी मात्रा लगी है, दीर्घ मात्रा लगी है। तो शब्दों के बीच में जहां पर भी दीर्घ संधि होगा वहां सदैव दीर्घ मात्रा होगा। आप वधूत्सव देख लीजिए, वधूत्सव वधूत्सव यहां पर देखिए कौन सी मात्रा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो मित्र बनेगा वधु, वधु और धन उत्सव, वधु धन उत्सव, यहां पर बड़ा उ और प्लस उ और दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा उ, और ये आप इसको चेक कर लीजिए यहां पर कौन सा स्वर लगा है बड़ा उ, जरा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कौन सा स्वर लगा है वधूत्सव में बड़ा उ। तो जहां पर भी दीर्घ संधि होगा वहां सदैव दीर्घ संधि में सदैव बड़ा मात्रा रहेगा कविश, इसको आप ध्यान दीजिए यहां पे बनेगा मित्र इसको कवि और धन ईस, कवि धन ईस, यहां छोटी ई प्लस बड़ी ई और दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ी ई, और यहां पर आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मात्रा है बड़ा स्वर। तो दीर्घ संधि का ट्रिकी आप एकदम समझ लीजिए, एकदम बेहतरीन ट्रिकी कि दीर्घ संधि में एकदम ये नोट कर लीजिए, दीर्घ संधि में शब्दों के बीच में सदैव दीर्घ मात्रा होगी, ये इसका सबसे अहम मात्रा है। कोई भी शब्द आपको दिखे शब्द में अगर बीच में दीर्घ मात्रा होगी वहां सदैव दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ संधि होगी एकदम सिंपल में। आइए जरा इसी के आधार अगले पे चलते हैं। दीर्घ संधि के बाद आप देखिए जैसे गुण संधि है, देखिए इधर गुण संधि, गुण संधि इस पे आप देख लीजिए इस पे क्या है, गुण संधि पे आप एकदम सिंपल में इसको देख सकते हैं। गुण संधि में शब्दों पे, शब्दों में जहां पर आप सिंपल में एक ऐसे चुंडी बना लीजिए, ये इसको हम चुंडी भाषा गांव की भाषा मित्र कहते हैं, चुन्नी एक चुन्नी एक खड़ी रहे, प्राइमरी में लोग बताते हैं कि यदि एक चुन्नी खड़ी हो, यदि एक चुन्नी खड़ी हो मात्रा पे आप ए और ओ भूल जाइए वहां प्रायः गुण संधि होगी, अर को लेते हुए महर्षि और अर को लेते हुए साथ में इसमें अर भी जोड़ सकते हैं कि जिस शब्द में अर आ जाए, यही दो इसका मेन चिन्ह है। आप जैसे में यहां देख सकते हैं महेश दिनेश महोत्सव बनोत्सव और महर्षि देवर्ष, यहां देखिए अर निकल रहा है। तो शब्दों के बीच में आप ऊपर बस मात्रा देखिए कि कितनी मात्रा है, वक्रोक्ति वक्रोक्ति वक्र धन उक्ति, जहां पर बीच में ऊपर एक मात्रा होगी वहां सदैव मित्र दीर्घ गुण संधि होगा। आप एकदम ये ट्रिकी नोट कर लीजिए, गुण संधि का ये एकदम स्पेशल ट्रिक है कि शब्दों पर जहां पर ये चिन्ह दिख जाए और अर साथ में दिख जाए, अर दिख जाए वहां पर गुण संधि होगी। कोई नियम नहीं, कोई फार्मूला नहीं, शब्द आप ऊपर एक मात्रा देखेंगे सीधे पकड़ लीजिए कि यहां पे गुण संधि है। वृद्धि संधि में आपको दिखाते हैं, वृद्धि संधि में देखिए, वृद्धि संधि में क्या है मित्र, वृद्धि संधि में सिंपल में आप इसको देख सकते हैं। वृद्धि संधि का यहां पर जो ट्रिक बनेगा, वृद्धि संधि का ट्रिकी जो है कुछ नहीं है, शब्दों के बीच में जहां पर संधि होगी, शब्दों के बीच में जहां पर संधि होगी, जहां पर संधि होगी शब्दों के बीच में जहां पर संधि होगी वहां आप यही चिन्ह पाएंगे। आप आए ओ भूल जाइए उस चिन्ह को क्या है, यही चिन्ह आपको मिलेगा, यही चिन्ह मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं यहां पर मित्र, ममैव सदैव बनाओषधि महाऔषध
महाऔषध, आप देख सकते हैं शब्दों के ऊपर अगर आपको दो चुंडी दिख जाए, दो मात्रा दिख जाए, 100% वहां पर कौन सी संधि होगी मित्र, 100% वहां वृद्धि संधि होगी। ये एकदम स्पेशल ट्रिक है, सिंपल में आप इसको पकड़ सकते हैं। आइए अगले संधि पे हम दिखाते हैं आपको, इसको देख लीजिए। अभी हम इसको संबाइन में आप एकदम शॉर्टकट में दिखा देंगे कि ये ट्रिक क्या है। अगला आप इसको देखिए मित्र, यण संधि, यण संधि का ट्रिक देख लीजिए। यण संधि को अगर आप एक बार में पहचान ले, यण संधि में एक बार में इसको इफेक्टिव अगर करना है तो सिंपल सा है, य व र ल के पहले पहले प्रायः आधा अक्षर मिल जाए, प्रायः आधा अक्षर मिल जाए, आधा अक्षर दिख जाए, अक्षर मिल जाए, मिल जाए, तो वहां यण संधि होगी। आप कोई भी अक्षर उठा के देख लीजिए, अगर उसमें यण संधि होगी तो छोटे आपको दिख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इत्यादि, अन्वय, मध्वर, अन्योक्ति, आप इसको चेक कर सकते हैं, अनविच्छण। अगर शब्दों के बीच में जहां पर आधा अक्षर दिख जाए, प्रायः वहां यह संधि होगी। आप इसको आप चेक कर सकते हैं, किसी में भी आपको यही मिलेगा। अभी इसको हम समग्र रूप में एक डेटा में दिखा देंगे, शब्दों के बीच में। मित्र यण और यादि प्रायः लोग सबसे टफ लगता है, मेरा सबसे सरल तरीका बता देंगे यण और यादि में कि इसमें एक्चुअल बनेगा क्या, आपको इफेक्टिव दिखाएंगे। आप स्वर संधि में गुण वृद्धि यण आदि ये सब जानते हैं, यण और आदि सबसे टफेस्ट को मैं एकदम सबसे सरल भाषा में आपको दिखाता हूं आज। इसके बाद देखिए अनविचर, किसी भी शब्द की पहले अगर आधा अक्षर दिख जाए तो वहां पर मित्र यण संधि होता है। इसी में ई से य बनता, इसी यण संधि में क्या होता है, ई से य, ऊ से व, री से री से ल, तो र ल वाला भी अक्षर आएगा तो प्रायः वहां पर क्या मिल जाता है, वहां पर वही अक्षर होगा मित्र। अगर य व र ल के पहले आधा अक्षर दिख जाए, आप सीधे सीधे आप तुरंत कह देंगे कि यहां पर यहीं पे संधि होगा। और अंतिम अंतिम जो है मित्र, अयादि संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि को सिंपल में आप दिखा सकते हैं। पहला इसमें दो ट्रिक है, प्रायः तीन अक्षर का शब्द, तीन अक्षर का शब्द अयादि संधि मिलता है, अयादि संधि में प्रायः जाता है। आप इधर देखिए, भवन, नयन, पावक, गायक, भावुक, ये। और दूसरा इसका ट्रिक जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा है, प्रायः शब्दों के बीच में य और व पाया जाता है, पाया जाता है। ये दो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं मित्र, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि य और व यहां पर, और एक ट्रिक ये ट्रिक है, ये दो ट्रिक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, य और व अगर बीच में है तो सदैव अयादि संधि होगा, प्रायः तीन अक्षर का शब्द दिख जाए तो अयादि संधि होगा मित्र। ये तो हम एकदम सिंपल में दिखाए हैं कौन कैसे स्वर संधि है। अब जरा मेरे संधि का टेक्निक देखिए, इसको कैसे शॉर्टकट में मैजिक में आप लगा के हल कर लेंगे। उसका सबसे बेहतरीन ट्रक है, जैसे अयादि और यण संधि के हम दो शब्द तोड़ते हैं, फॉर्मेटिकली उसको आप देखिए कि कैसे होते हैं, जिस संधि को आप कहते हैं किसको टेक्निकल होता है। आप जरा यण और अयादि पे फोकस करिए मित्र, बाकी संधियों पे तो आप लोग इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यण और अयादि सबसे टफेस्ट है, उसको मैं सबसे सरल में निकाल रहा हूं। देखिए जरा यण और अयादि, आप इसको देखिए सिंपल में, जैसे अगर यण संधि है मित्र, यण संधि जिसको हम लोग कहते हैं सबसे टफेस्ट है,
यण संधि में आप सिंपल में देखिए मित्र, कोई भी शब्द उठा लीजिए। मैंने कहा य और य व र ल के पहले आधा अक्षर आ जाए, ट्रिक मैंने दे दिया है। आप यहां पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, ट्रिकी तो लगाते ही हैं, ट्रिकी के साथ साथ शब्द तोड़ने की कला मैं गारंटेड बता दूंगा कैसे आएगा। इधर देखिए, जैसे सिंपल में मैं कोई भी शब्द आप उठा के देख लीजिए, अनविच्छण अनविच्छण, मैंने बहुत टफेस्ट उठाया है, सबसे अच्छा उठाया है और बहुत ही फेमस आता है, जैसे आपको मिल जाए अत्यंत। आप देखिए इन दोनों शब्दों को जरा सा ध्यान दीजिए, तरीका मैं यण संधि का बेहतरीन शॉर्ट मैजिक में देखिए, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल में आप आधा अक्षर के आगे वाले अक्षर को देखेंगे। यण संधि के तोड़ने का मैजिक जादू बता रहा हूं मित्र, आधा अक्षर के आगे वाला अक्षर देखेंगे। पहले तो आप अक्षर देख लिए कि य व र ल के पहले आधा अक्षर दिख जाए, यण संधि, ये तुरंत हो गए यण संधि। तोड़ने का तुरंत तरीका बता रहा हूं, देखिए मित्र, य के आगे इधर कौन सा अक्षर है, यहां पर व है और इस आधे अक्षर के आगे क्या है, यहां पर देख लीजिए इस आधे अक्षर के आगे क्या है, यह है। तो आपने देखा कि हमें व और य निकालना है, तो यण संधि में बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि सूत्र में जैसे आपको पता है कि यहां पे क्या होता है, ई से क्या बनता है, य हलंत बनता है, यहां पे क्या बनता है, ई से य हलंत बनता है, और यहां पर आपको पता होगा, यहां पर पता होगा ऊ से क्या बनता है, व हलंत बनता है। इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए खट से ध्यान दीजिए, हमें व निकालना है, तो व का मतलब है, ध्यान दीजिए यहां पर है ई से य हलंत बनता है, ई से य हलंत इधर होता है और इधर आप इसी को देख लीजिए, इसी को ये कह रहा है, जो आपको बता रहा है वो ये बता रहा है, यहां बन रहा है ऊ से व बनता है, ऊ से वह हलंत बनता है, यह चीज थोड़ा बेसी बढ़ गई। अब आपको आधा अक्षर के आगे वाले अक्षर को देखना है, सिंपल में आप आगे वाले अक्षर को देखिए, यहां पर वह है, यहां पर यह है, पहले इसको देखिए कैसे निकलता है, यह वह है, दिख रहा है वह है, इसका मतलब इस छोटे वाले जो आधा अक्षर है इसमें कौन सी मात्रा लगेगी मित्र, इसमें या तो ऊ लगेगी और या तो बड़ा ऊ लगेगी। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि वह इन्हीं दो स्वरों से बनता है, या तो ऊ से बनेगा या तो बड़ा ऊ से वह बनता है। तो ये आपने देख लिया, या तो ऊ, तो आप दोनों लगाइए एकदम सरल, इसमें अनु लगाइए या तो अनु लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द सही है, पता लगा ये स्वर शब्द सही नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए, ये हट गया तो आपको तुरंत क्या मिल गया मित्र, अनु, ये मिल गया। अब उसके बाद आप अगला, आप आपको पता है आगे मत बढ़िए, यहीं में नीचे जाइए, यहीं पे देखिए यहां पे कौन सा स्वर है, ऊ, ऊ स्वर से क्या बनता है, व हलंत बनता है, क्या बनता है मित्र, व हलंत, इसका मतलब कि ये जो वाला व है, ये जो व है वो आ चुका है किधर, प्लस के इधर, प्लस के इस तरफ बचा। अब यहां पे जो गलती लोग होता है कि यहां पे कौन सा स्वर बचेगा, तो यहां पे कोई स्वर मत देखो, यहां सिंपल स्वर आप देख लो कि बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यहां पे आप बड़ी ई लगा दीजिए जो स्वर बचा है और इसको क्षण कर दीजिए, यहां हो गया। अब इसी को प्लस यहां पे बड़ी ई जोड़ दीजिए, दोनों मिलके क्या बना देंगे, वी बनाएंगे मित्र, देखिए जो ऊपर शब्द है वही नीचे आ रहा है, यहां पे वी बन गया ये और डायरेक्ट यहां आ गया। आपको पता है कि अगर नू लिखा है तो इसको हम न हलंत प्लस ऊ कर सकते हैं, तो यही न आधा यहां हो जाएगा न, चूंकि न हलंत है, ई यहां पर ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ई कट गया, बचा क्या है, ई कट गया, बचा है आपका क्षण, आप देख लीजिए अनविच्छण, क्योंकि ई आपका यहां पे कट गया है, ई इसमें जुड़ गया है, आप देखिए जो ऊपर शब्द थे क्या वो नीचे शब्द आ गए, आप अपने शब्द के खुद जज बन सकते हैं। अत्यंत में लिख लीजिए, अत्यंत में इसी को मैं दिखा रहा हूं, जरा से ध्यान दीजिए, आपने आधा अक्षर देखा तो आपको पता होना चाहिए कि ई या बड़ी ई ही बनेगा, तो इसका मतलब या तो अति बनेगा और या तो अति बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सार्थक ये नहीं है, तो ये खट से कट जाएगा, ये वाला अति हो गया, अति पे प्लस, आप उधर मत जाइए, अभी उधर मत तोड़िए, यहीं पे मित्र नीचे निकलिए, छोटा ई यह हलंत में चला जाता है, छोटा ई किसमें चल रहा है, अब ये वाला यह इधर आ गया तो वहां कौन सा स्वर बचा, जहां कोई स्वर नहीं होता वहां खाली स्वर होता है, तो यहां बच गया मित्र अंत, यहां बच गया अंत, और यही अ यहां जोड़ दीजिए, और दोनों जोड़ के जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा य, देख लीजिए य बन गया, अब यहां पर हो गया अ, अब इस ती को आप ऐसे लिख सकते हैं,
त हलंत प्लस अ स्त्री को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए तो आपका छोटा ही निकल गया है, ये कट गया तो बचा क्या है आधा त, तो वही आधा त यहां लिख लीजिए। अ यहां पर देखिए कट गया है, अ यहां पर कट गया, अ यहां आ गया तो बचा है नंत, वही नंत जुड़ जाइए। जो ऊपर है मित्र वही नीचे आएगा, 100% जो ऊपर है वही आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। यर संधि का सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आप आधे वाले आगे वाले अक्षर को टारगेट करिए, किसी को मत देखिए, आगे वाले आधे अक्षर को देखिए कि वो य है कि वह है कि त्र है। जैसे मात्राज्ञान होगा मातृधन आज्ञा, री अ मिलकर आर बना देंगे मात्राज्ञा मन पितृ के, इस तरीके से कहने का मतलब कि आप उसको पकड़ सकते हैं कि कौन से अक्षर में क्या जा सकता है। इसका डिस्क्राइब हम आगे कर देंगे, आइए जरा इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। एक अयादि संधि का डेमो में देख लीजिए, अयादि संधि में देखिए, अयादि संधि, अयादि संधि जो आपको सबसे टफ लगता है, इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल से जैसे अगर हम लिख दिए, सॉरी अगर आपको लिख दिया जाए कि भवन, एक तरफ है भवन एक तरफ है गायक, बस दो शब्द को आप देख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, वर्णों में बिखेर दीजिए। भ हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस उसके बाद न हलंत प्लस अ, इनको वर्णों में बिखेर कर सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जोड़ा चार जोड़े बनते हैं, इसमें अय बनता है, अव बनता है, आय बनता है और आव बनता है, चार जोड़ा बनते हैं। किससे? ये बनता है ए से, ये बनता है ओ से, ये बनता है देखिए ये बनता है आय से और ये बनता है आव से। इन चारों जोड़ों को आप ध्यान में रखिएगा, जो यहां पर अगर बेसिक में इधर इसको देखना है तो इसको आप ऐसे शॉर्टकट में यहां देखिए, यहां पे इधर इधर देखिए, ए से यहां पर दिखा दे रहे हैं, ए से आए आपको इतना पता होना चाहिए, ओ से आओ ये, और आए से आए, और आओ से आओ से आव हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा, यही चार दिमाग में रखिए, तो इन चारों जोड़ों को आप याद रखिए कहां पर है, जहां जोड़ा बनेगा वहां खट से बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स बना उसके नीचे तुरंत वो स्वर लिख दीजिए, ये स्वर आया ओ, इनको एक साथ जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे अन, और इधर आ जाएगा भ हलंत प्लस अन, ये स्वर चूंकि ये स्वर है इसके ऊपर चढ़ जाएगा, भो प्लस अन बराबर भवन। कोई भी लड़का कोई भी लड़की आराम से अपना खुद चेक कर सकती है, वर्णों में तोड़िए, वर्ण में तोड़ के जोड़ा देखिए, जो जोड़ा है उसको बॉक्स बनाइए, नीचे स्वर लिखिए, इधर आगे जोड़ दीजिए। आप जरा इसको ऐसे देख सकते हैं, गायक को देखिए, गायक में कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पर ग हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस अ प्लस ग हलंत प्लस अ, उधर मत जाइए, आप जोड़ा पकड़िए, कहां तक जोड़ा है मित्र, जोड़ा आपको मिल गया ये, जहां जोड़ा मिले तुरंत उसके नीचे स्वर लिख दीजिए, ये आय स्वर आ गया, यहां हो गया ग हलंत प्लस आय, अब इनको एक कर दीजिए, अब प्लस हो जाएगा अक, इनको एक कर दीजिए आप, ये चूंकि आधा है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मित्र गय प्लस अक। तीन लाइन में आप एकदम कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हैं। आप ऐसा तरीका मित्र, हम शब्दों को इस तरीके से, कोई भी लड़का वर्णमाला में जो वर्ण तोड़ने जानता है वो आराम से डिस्क्राइब कर लेगा कौन सा क्या संधि है। कुछ नहीं करना है, आदि संधि में शब्दों को बिखेर देना है, बिखेर के वो चारों जोड़ों का पकड़ना है, जोड़ा के तुरंत बॉक्स बनाना है, बॉक्स के नीचे स्वर दिखाना है, जैसे ही स्वर मिल जाए तुरंत उसको चढ़ा के उसको जोड़ दीजिए। स्वर होगा ये इधर, एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये स्वर सदैव इधर जाएगा उधर नहीं, क्योंकि ये जो आधा इधर पी गएगा। अब आपको हम सिंपल में एक चीज और बता दें मित्र, देखिए संधि में, संधि की क्लास आपको हम कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करके देंगे कि आप उसमें एकदम मैजिक तरह लगेगा। ये तो हम नॉर्मल एक सिंपल बताए हैं आपको, और हम इतने इतने ट्रिक है अलंकार के लिए आपको हम बता दें सिंपल में। आप अगर देखेंगे अलंकार के लिए लोग कहते हैं शब्दार्थ कितने अलंकार है, अलंकारों की संख्या अनंत है। अलंकार का एक शॉर्टकट देख लीजिए मित्र, अलंकार जैसे आपको हम दिए, अलंकार के लिए कई लोग परेशान रहते हैं कौन किस में जाएगा, कौन शब्द है कौन अर्थ है, इसी में लोग परेशान होते, शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार,
शब्दालंकार और अर्थालंकार में लोग परेशान रहते हैं कि कौन किस में जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में एक उभय अलंकार है, उभया को छोड़ दीजिए, उभय अलग है। आप इसको अगर देखना है तो इसी का मैंने एक ट्रिक बना दिया है, ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका है अवश्य पुनी पुनी बीच, अवश्य पुनी पुनी बीच, अवश्य पुनी पुनी बीच, आप इसी को डिस्क्राइब करिए, यहां हो जाएगा। अ से मित्र देखिए अनुप्रास, अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, व से वक्रोक्ति, से श्लेष, से श्लेष, य से यमक, यह से यमक। ये देखिए इधर अवश्य के चार आ गए, इनके पूरे चार हो गए। इधर देखिए पुनि से हो जाएगा, पुनि से हो जाएगा पुनिरुक्ति, पुनिरुक्ति प्रकाश, पुनिरुक्ति से पुनिरुक्ति प्रकाश, फिर पुनि से, फिर पुनि से हो जाएगा पुनिरुक्ति, पुनिरुक्ति पदाभास, पुनिरुक्ति पदाभास। पुनरुक्ति पदाभास वी से हो जाएगा मित्र, वी से हो जाएगा विपसा, विपसा अलंकार और विपसा, और ची से हो जाएगा मित्र, ची से देखिए चित्रा। ये आप देख लीजिए, यही आठ अलंकार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इन आठ अलंकारों के अलावा जो भी अलंकार रहेंगे सब मित्र अर्था में जाएंगे। आपसे कोई कहे, आप ये बताइए, जैसे कोई आपसे पूछे कि आप ये बताइए शब्द अलंकार है, एकदम सिंपल में ध्यान दीजिए, अवश्य पुन पुन बीच, इसको आप रट लीजिए मित्र, एकदम ये अलंकारिक चीजें हैं, अवश्य पुन पुन बीच, बस यही शब्द अलंकार को बताएगा। इसी को अगर दिमाग में आप रखेंगे, अर्थ आपसे कोई भी पूछे, जैसे कोई पूछे अर्थालंकार बताए और यहां पर दे देगा श्लेष, यमक, चित्रा, रूपक। अब आप रूपक अभी मैंने नहीं बताया है, अभी आपको बताया नहीं, बस आप अवश्य पुनपुछ देख रहे हैं, आप तुरंत इसको ट्रिक लगा लेंगे, भैया रूपक अलंकार है, क्योंकि ये तीनों शब्द है। आप केवल शब्द अलंकार रहते रहेंगे, तुरंत निकल जाएगा कि शब्द में जाएगा कि अर्थ में जाएगा। वल्ली वन चीज आपको पकड़ना है, इवन कि आपको अगर शब्द अलंकार भी पूछेगा, इधर देखिए शब्द अलंकार बताए आपको, हम देखिए शब्दालंकार बताएं, जैसे आपसे शब्दालंकार में ऑप्शन दे देता है उपमा, रूपक, दीपक और श्लेष। अब आप ये बताइए मित्र, अभी आपको शब्दालंकार, इन तीनों अलंकारों के बारे में मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन आप अवश्य पुन पुन बीच में ये चीज जान जाएंगे कि भाई इसमें श्लेष इसी का होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा श्लेष, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रूपक, और इनको तीनों को छोड़ दो क्योंकि ये अर्था में जाएंगे। आप अवश्य पुन पुन बीच अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा मित्र। आप अलंकार पे, संधि पे, रस पे, कुछ ऐसे मैंने ट्रिक दिए हैं मित्र, जहां पर आप 100% वन टाइम में पकड़ के एक नॉर्मल क्वेश्चन हल कर देंगे। जैसे बहुत अलंकारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कौन किस में है, लोग कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन इन ट्रिकों के माध्यम से आप देखिए अवश्य पुन पुन बीच को मैंने तोड़ दिया है, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, अवश्य से हो गया, पुनि से पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि से पुनरुक्ति पदाभास, वी से विपसा, ची से चित्रा। यहां से आप अलंकारों को मित्र पकड़ सकते हैं कौन किस में आएगा। इसके बाद एक आप लोगों को हम कई बार इसको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, सिंपल में आप लोगों को हम कहते हैं, जैसे वर्णमाला में लोग बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं वर्णमाला में, मैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के लिए बस केवल एक एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को अप्लाई करिएगा तो आपका एकदम पूरा का पूरा मित्र चला जाएगा। जैसे सिंपल में आप देख लीजिए, आपको हम अघोष सघोष का एक छोटा सा ट्रिक दे दे रहे हैं, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष में मान लो आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा है, कौन सा अक्षर वर्णमाला में अघोष है, कौन सा सघोष है, इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल में इसको नाम ही दिया हूं मित्र, पिस्टल ट्रिक, इसका नाम ही है पिस्टल ट्रिक, मैंने नाम दिया है, इसको आप अप्लाई करिए, एक पिस्टल बना लीजिए, एक पिस्टल भैया गांव का देसी ठर्रा,
गांव भजन देसी कट्टा होता है, इससे वाला पिस्टल, पिस्टल की आकृति देखिए दो ही अंगुली लगती है, इसको आप पिस्टल बना लीजिए बढ़िया आराम से, ये नाल लगा दीजिए भैया, ये पिस्टल बन गया, ये वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो गया। यहां आते हैं क, यहां आएंगे च, यहां आएंगे ट, यहां आएंगे त, यहां आएंगे प, पहला अक्षर वर्ग का पहला अक्षर, यहां पे दूसरा अक्षर ले लीजिए, यहां पे आएंगे ख, यहां पे आएंगे ख, यहां पे आएंगे छ, और यहां पे आएंगे क छ, उसके बाद यहां पर आएंगे ठ, यहां पे आएंगे थ, और यहां पर आएंगे फ। ये हो गया पिस्टल, पिस्टल बन गया ना, इसमें तीन ठो गोली लोड कर दो भैया, बिना पिस्टल के गोली नहीं मिल जाए, आपके पास पिस्टल हो गोली का मतलब नहीं है, गोली भर दीजिए खटाक से, श श और श, आप इन तीनों को अप्लाई कर दीजिए, दिया गया व्यंजन यही मित्र अघोष है, यही व्यंजन क्या है अघोष, इसी को कहते हैं अघोष। अब आपसे कोई पूछे चाहे सघोष या अघोष, ये पिस्टल टिक अप्लाई करिए, जैसे कोई आपसे अक्षर पूछे भैया अ क्या है, अघोष है सघोष, एक दो में है नहीं है सघोष होगा, आप देख लीजिए एक दो में, कोई आपसे पूछे कि आप ये बताइए भाई, आप बताइए कि मान लो कोई पूछे था क्या है, अघोष है सघोष, पिस्टल में है यस है, ये तुरंत आपका हो जाएगा अघोष। आपसे कोई पूछे मित्र जल्दी जल्दी में कि वह क्या है, वह बताइए, वह एक दो में है पिस्टल में है, पिस्टल की आकृति कैसे होती है, इधर देखिए पिस्टल कैसे होता है, ये वर्ग की पहली और दूसरी उंगली और तीन ठोंगली हम मोड़ते हैं, वही तीनों से है तीन गोली है, ऐसे पिस्टल मारते हो ना, बस पिस्टल दिमाग में रखे रहो, पिस्टल देखिए मित्र, पिस्टल पिस्टल दिमाग में रखे रहिए, घोष सघोष आपका तैयार, कुछ नहीं करना है, कल पिस्टल दिमाग में रखो, पिस्टल खोसे तीन ठो गोली लोड किया घोष हो गया, बाकी 52 वर्ड में जो भी अक्षर होंगे सब सघोष होंगे, सारे के सारे सघोष होंगे, ये एकदम सिंपल और बेहतरीन ट्रिक है मित्र, इसका नाम ही मैंने रखा है पिस्टल ट्रिक, आप लोग इसको देखेंगे मैजिक की तरह, वर्णमाला में मैं कई ऐसे ट्रिक डाले हैं, अल्पप्राण महाप्राण केवल आप प्रैक्टिकली हाथ से बता देंगे, दिया गया आंसर अल्पप्राण है कि महाप्राण है, जिसमें हाथ में हवा लगेगी वो महाप्राण, जिसमें हवा नहीं लगेगी वो अल्प प्राण, आप ऐसे देख सकते हैं ग और फ को बोल के, जैसे आपसे कोई कह दे कि ग अल्प प्राण है कि महाप्राण, ग में हवा लग रहा है, ग में हवा लग रहा है नहीं, फ में बोलिए देखिए हवा लग रहा है, फ हो जाएगा मित्र महाप्राण, फ मित्र हो जाएगा महाप्राण, ग हो जाएगा अल्प प्राण, आपको ये हम ट्रिक बता रहे हैं, अल्प प्राण महाप्राण सघोष सघोष, ऐसे अर्ध स्वर पश स्वर समृद्ध स्वर अर्ध समृद्ध स्वर सारे पे मैं मित्र ट्रिक बनाया हूं, उस ट्रिकों को आप लोग अप्लाई करिए, आपको मैं दावा कर सकता हूं मित्र, जिस प्रकार से संधि अलंकार समास जो भी आएंगे सब में मैं बेहतरीन अपने जोशीला पॉकेट से कुछ इस तरीके से ट्रिक निकालूंगा कि आप लोग सत्य प्रकाश जोशीला टारगेट विथालोक में देखेंगे कि आपको एक नई ट्रिकी हिंदी मिलेगी मित्र, सुपर टूट में गारंटेड है कि उम्मीद तो मैं करता हूं, जहां भी अभी तक मैं पढ़ाया हूं मेरे शिष्य अर्जुन होते हैं जो अर्जुनों की तरह 20 में 20 लेके आएंगे मित्र, आप लोगों से 20 में 20 लाएंगे अगर ट्रिकी का उपयोग करोगे, ये हमारा आपसे वादा है, जितना मैं जोश दिखाऊंगा उससे डबल जोश मैं आपसे लूंगा, जोशीला का मतलब ये है उतना जोश आप लगा के देखिए, तो आप लोग इस ट्रिकी को अप्लाई करिए, आपसे यहां देखिए ये सिर्फ अघोष का है, आपसे कोई भी अक्षर इससे पूछे अगर वो पिस्टल में है तो अघोष है, नहीं है तो सघोष, 52 वर्ड में आप देख लीजिए, अगर ये पिस्टल में आ गया तो अघोष, नहीं होगा सघोष, हाथ लगा के बोल दीजिए, कोई सिद्धांत कोई फार्मूला नहीं, हाथ लगाइए जिसमें हवा लगेगी वो महाप्राण, जिसमें नहीं लगेगी वो अल्प प्राण, हाथ से आप अक्षर बता सकते हैं कि दिया गया अक्षर अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो मित्र मैं इसी तरीके से आपको ट्रिकी सुपर टेट में ट्रिकी पढ़ाऊंगा, कम टाइम में हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं, अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, 2C को मैं लेके चलता हूं, कंटेंट और कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आप लोगों से डेली सुपर टेट में हिंदी के थ्रू रूबरू होऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू, इसके थ्रू, ट्रिकी के थ्रू, मेरा बस फुल प्रयास रहेगा कि आप लोग पूरा इसमें संपूर्ण पाए मित्र, तब तक के लिए मित्र नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश जोशीला टारगेट विथ आलोक में।